हेलो फ्रेंड्स, ये है फास्टट्रैक की डिजिटल वॉच और आज हम इसकी टाइम कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। इसमें आपको चार बटन देखने को मिलते हैं, रिकॉल, मोड, स्टार्ट एंड स्टॉप। जो इसकी टाइम कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हमें मोड बटन से प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप सेटिंग में शिफ्ट करना होता है। जैसे ये टाइम टू आ रहा है तो ये इसके बाद ये है नॉर्मल टाइमिंग जो पहले ही था। ये लॉक है तो हमें इसको अनलॉक करने के लिए रिकॉल बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। यहाँ देखिए रिकॉल सेटिंग अनलॉक हो गया, सेकंड ब्लिंक होने शुरू हो गए। मोड बटन को सिंगल टाइम प्रेस करेंगे, मिनट्स पे शिफ्ट हो गया। अब जैसे कि मेरे करंट मिनट्स 45 हैं तो मैं यहाँ से स्टार्ट बटन से 45 कर लेता हूँ। अगर कहीं गलती से आपसे अप चला गया, जैसे 46 चला गया, तो ये स्टॉप बटन यानी इसी को डाउन बटन बोलते हैं, इससे आप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए स्टार्ट स्टॉप, तो ये 45 हो गया। अब मोड बटन को प्रेस किया तो आवर्स में शिफ्ट हो गए। जैसे मेरा करंट आवर तो बिल्कुल परफेक्ट है, 7 PM ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट बटन को प्रेस किया, जो आपने सेट करना है कर लीजिए, अगर कहीं गलती से आगे पीछे चले गए तो ये स्टॉप बटन के माध्यम से आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये आवर्स हो गए। ईयर्स के लिए भी सेम प्रोसीजर है, स्टार्ट बटन से या फिर गलती से आगे बढ़ गए तो स्टॉप बटन से बिल्कुल सेट कर दीजिए। देन मंथ, देन डेट, देन आवर्स। अगर आवर्स आपको 24 आवर रखने हैं तो 24 आवर कर लीजिए, आइदर 12 आवर्स कर लीजिए। देन बीप, ये बीप है, जैसे आपने अभी कोई बटन प्रेस कर रहा था तो बीप की साउंड आ रही थी, ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टाइम प्रोसीजर है इसका। सेटिंग को लॉक करने के लिए फिर से हम रिकॉल बटन को प्रेस करेंगे, सेटिंग लॉक हो गई। तो अगर आपको कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैंडोमीटर वाटर असिस्टेंट है ये वॉच, और फुली वाटर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर के अंदर आपने इसके बटन्स को प्रेस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।